नमस्कार, आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अंशु। रुक करते हैं खास खबरों की ओर। पति पत्नी के बीच गृह कलेश के चलते पत्नी ने लगाई फांसी। पति पत्नी के बीच घरेलू कलेश के चलते पत्नी ने फांसी लगाई। दरअसल मामला जालौन जनपद के कालपी कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला रावगंज का है, जहां आज दोपहर करीब 11 बजे पति पत्नी के बीच घरेलू कलेश के चलते पत्नी ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। वहीं मायके पक्ष से पिता व भाई ने आरोप लगाया कि ससुराली पक्ष कई दिनों से 2 लाख रुपए की मांग कर रहे थे, जब पैसे देने से इनकार कर दिया तो लड़की को मौत के घाट उतार दिया। वहीं मृतक महिला के बच्चों से पूछताछ की गई तो उन्होंने आपस में झगड़ा होकर फांसी लगाने की बात कही। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया और मृतक महिला का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगे की कार्रवाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही होगी। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जालौन से राजकुमार दोहरी की रिपोर्ट। क्या नाम है बेटा? प्रियांशु द्विवेदी। क्या हुआ है आज तुम्हारी मम्मी के साथ? तुम्हें हो रही है नहीं आंटी, जब बता, जब फिर पापा नहीं गए तो फिर मम्मी के अकेले जाएंगे, फिर बता, फिर मम्मी ने अंदर जाके बहुत अंदर वाले रूम में फिर फांसी लगा लिया थी अकेले। क्या पापा के साथ कोई झगड़ा हुआ था क्या? नहीं, लड़ाई नहीं हुई। नहीं, हो रही नहीं भेज रहा थे इसलिए। अच्छा, तो उन्होंने कहाँ पे फांसी लगाई? नहीं, वो अंदर वाले में कुटिया में। किसी दूसरे ने लगाई थी या खुद लगा ली उन्होंने? खुद ही लगाया थी उन्होंने। किसे पंखे में लटक गई थी क्या? क्या नाम है भैया? विवेक शुक्ला। क्या मामला हुआ है आज जो आपकी बहन के साथ? मामला ये हुआ कि शाम को इन लोगों ने, हमारी बहन ने कॉल किया, हमारे बहन से बोला कि 2 लाख रुपए जो अपने पिताजी से, बहन को हमारे शाम को 7:30 बजे फोन आया, बोले पापा पैसे दो, हमारे पास तो पैसे भैया थे नहीं इतने। हाँ, तो उन लोगों ने मार दिया। मेरा दिनेश कुमार शुक्ला। क्या मामला हुआ है आज बताओ? आज मेरी लड़की को इन्होंने जान से मार दिया है। अनंत मोहिनी नरेश और उपेंद्र और उनकी बहन किरण। हाँ बता, किस बात को लेके? ये कल हमसे ये बड़ा झगड़ा, और कल हमसे इन्होंने रुपए मांगे थे 2 लाख, कि 2 लाख रुपए लो हमारे घर बनवाना। हमने कहा मेरे पास नहीं है, कहीं से लेकर करूँगा, तो कहा कल तुम्हारी बिटिया की मिट्टी मिलेगी। तो ये थे फिलहाल की कुछ खास खबरें। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए चैलेंज न्यूज 24। नमस्कार।